आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आज की तारीख में? एक बार आप घर से ब्रेकफास्ट नहीं करके निकलोगे तो भी चलेगा, लेकिन मोबाइल लिए बिना हम लोग घर से निकल नहीं सकते। ओके, और सारी चीजें भूल जाएंगे, लेकिन अपने फोन को चार्ज करना नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि योर बैटरी इज वर्किंग ऑन समथिंग विच इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, एंड दैट्स अ टॉपिक फॉर डिस्कशन टुडे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे कि हम लोग मोबाइल की बैटरी के बारे में बात करते हैं, और एंड इवन द व्हीकल्स टुडे, आज तो हमारे व्हीकल्स भी अभी ईवी होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते जा रहे हैं। उसमें भी लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं, और मोबाइल में भी लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं। बट ये लिथियम आयन बैटरी एक दिन में नहीं बना, इट इज अ प्रोसेस, इट हैज इवॉल्व थ्रू यू कैन से एन रेवोल्यूशन, एंड पूरा रेवोल्यूशन हुआ इस पूरे बैटरीज के सिलसिले में। तो ये बैटरीज का जो सिलसिला शुरू हुआ बाय जे जे थॉम्सन, ओके, बिकॉज ही वॉज द वन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन लेटर ऑन हु डिस्कवर्ड द बल्ब, दैट इज थॉमस अल्वा एडिसन। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में ये डिस्कवर किया कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बैटरी। और आज तो आप देख ही रहे हो कि विदाउट बैटरी वी कैन नॉट इवन इमेजिन आर लाइफ। तो आपके मोबाइल में क्या हो रहा है, मोबाइल की बैटरी में क्या हो रहा है कि यू आर परफॉर्मिंग एन केमिकल रिएक्शन विच इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही। दूसरा, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी रिलीज कर रही है, और जो ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसको इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। इधर देखो, ए प्लस बी अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सुबह आप मोबाइल को चार्जिंग में लगा देते हो, राइट? सो ए प्लस बी प्लस इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी उसको सप्लाई कर रहे हो, तो ए प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू सी प्लस डी। ओके, तो सी प्लस डी आपकी बैटरी में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज काइंड ऑफ बीइंग स्टोर्ड, इट इज कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, केमिकल सी प्लस डी। और फिर क्या होगा कि जब आप चार्जिंग से अपने मोबाइल को निकाल दोगे, वायर को निकाल दोगे, तो तुरंत ही वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, चार्जिंग हो रहा है, और टुवर्ड्स द फ्रॉम राइट टू लेफ्ट क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो आप अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है, जो आपके यूट्यूब वीडियोज है, या और कोई ऑडियो जो कुछ भी आप कर रहे हो उस फोन के साथ में, तो वो सारी चीजें क्यों आप कर पा रहे हो, बिकॉज सी प्लस डी इज कन्वर्टिंग इनटू ए प्लस बी अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिसिटी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज चार्जिंग। यानी कि जब आप ए प्लस बी को इलेक्ट्रिसिटी देते हो, सी प्लस डी बन गया, 100% बैटरी बन गई, और 100% बैटरी मतलब आपका सी प्लस डी का कॉन्सेंट्रेशन 100% है, और जैसे 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 सी प्लस डी कम 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 होता जाता है, आपकी बैटरी कम 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 होती जाती है, 100, 99, 90, 80, 70, 60, 50 करते करते कम होती जाती है, एंड एट द सेम टाइम इट इज गिविंग यू व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। What it is giving you? Electricity. Okay? So this is how your mobile battery is working, and that is nothing but an electrochemical reaction. आप देख नहीं रहे हो क्या कि ये जो reaction है जो towards the right move हो रही है, तो towards the right जो move हो रही है, जो charging वाली reaction है, वो non spontaneous reaction है। कैसी है? Non spontaneous reaction. Non spontaneous मतलब सर, non spontaneous मतलब वो reaction खुद से नहीं होगी। अपने आप आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है क्या? नहीं, अपने आप आपका मोबाइल चार्ज नहीं होता। आप उसको चार्जिंग में लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो, तब वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी और आपको सी प्लस डी मिलेगा। और डिस्चार्जिंग जो है वो स्पॉन्टेनियसली होती है। जैसे कि आपका मोबाइल आपके पेरेंट्स ने कभी लेके कवर्ड में रख दिया, कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा आपने, राइट? सो पेरेंट्स ने मोबाइल उठा के कवर्ड में रख दिया, तो आप भले उसको यूज नहीं कर रहे हो, उसकी उसकी स्क्रीन भी चालू नहीं है, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली कुछ परसेंट बैटरी उसमें से कम हो जाती है, यानी कि डिस्चार्जिंग ऑटोमेटिकली होते रहता है। डिस्चार्जिंग स्पॉन्टेनियस है, डिस्चार्जिंग के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, बट चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी आपको। सो चार्जिंग इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड डिस्चार्जिंग इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये जो दोनों प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है, देखो डिस्चार्जिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, और चार्जिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो तभी होगी जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे। तो मैंने यहां पर क्या बोला था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देर आर अ फ्यू केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वो डिस्चार्जिंग वाला, सी प्लस डी कन्वर्टिंग टू ए प्लस बी, देर आर सम केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एंड देर आर सम केमिकल रिएक्शन विच आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे नहीं, तब तक वो कैरी आउट नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज अ सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो आपका जो 12th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, वो हमको डायरेक्ट थॉमस अल्वा एडिसन के 10,000 एक्सपेरिमेंट्स के साथ शुरू नहीं करना है। हमको शुरू करना है आपके बेसिक्स के साथ, जो है 11th स्टैंडर्ड के, दैट इज 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था आपको जिसका नाम था रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स का मतलब क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। Obviously, रेड मतलब लाल और ऑक्स मतलब बैल, ऐसा नहीं है, लाल कलर का बैल ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या है? रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन।
ओके सो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब साइमल्टेनियसली होता है, ये जो प्रोसेस है ना, ये रिएक्शन है, इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन. ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शंस. विदाउट रेडॉक्स रिएक्शंस यू कैन नॉट परफॉर्म एनी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. सारे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शंस ही है. और इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये जो चैप्टर है आपका, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ 11th स्टैंडर्ड रेडॉक्स रिएक्शन. तो 11th स्टैंडर्ड का पूरा रेडॉक्स रिएक्शन और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया, वो अभी मैं पूरा पढ़ाने नहीं वाला आपको, लेकिन एक ग्लिम्स दूंगा कि एक बेसिक्स आपके क्लियर करवा दूंगा, सो दैट वी कैन मूव अहेड. What is the difference between oxidation and reduction? ये थोड़ा अगर basic difference, sir पता है हमको, पता है, लेकिन इसमें से ऐसे कुछ points हो सकते हैं जो आपको पता नहीं है, तो आप ध्यान से सुनना. What is the difference between oxidation and reduction? क्योंकि आगे चल के हमको electrochemistry में हमको अटकना नहीं है, तो इसके लिए हम लोग basic से clear करते हुए आगे जाएंगे. What is the difference between oxidation and reduction? So oxidation का first point, एक mnemonic इसके लिए याद रखेंगे, oxidation is loss oil. Oxidation is loss of electrons, right? O for oxidation, I for is, L for loss. Oxidation is loss. Loss of what? Loss of electrons. Oxidation is loss of electrons. Example, आपने 10th standard में, sorry 10th बोलो, 11th standard में आपने एक reaction देखा Daniel cell का, right? Daniel cell gives away 2 electrons. Daniel cell देखा है ना? था आपका. कहाँ पर? 11th में redox reaction का last या first part, उसमें देखना Daniel cell नाम का एक cell था आपको. So oxidation is loss of electron. You can see over here zinc is losing electrons. And whenever zinc loses electrons, it is called as what? Oxidation. क्या हो रहा है यहाँ पर? Oxidation हो रहा है. और reduction is gain of electrons. ठीक है, reduction is gain of electron. Reduction is gain of electrons. यानी कि Cu2 plus या और कोई भी metal या non-metal जब electrons gain करता है, then it is called as reduction. वैसे तो metals easily electrons gain नहीं करते हैं, okay? But ये transition metal है, copper, जो electron gain करता है, उसका electronic configuration कुछ इस तरीके से कि वो electrons gain कर सकता है, and it's undergoing what? Reduction. So oxidation is loss of electrons, उसका example यहाँ पर है. Reduction is gain of electrons, उसका example यहाँ पर है. Then oxidation is loss of electrons and also oxidation is loss of hydrogen. अगर hydrogen का भी loss हो रहा है ना, तो that is also oxidation. यहाँ पर ध्यान देना, Mg plus 2HCl giving you MgCl2 plus H2, right? Hydrogen gas loss हो रहा है. तो ये जब hydrogen gas loss हो रहा है, तो this is also an oxidation reaction. What it is? This is also an oxidation reaction. Then obviously reduction is gain of hydrogen. Reduction is gain of hydrogen. Example, N2 plus 3H2 gives 2NH3. यहाँ पर hydrogen gain हो रहा है. So this is loss of hydrogen. This is gain of hydrogen. This is oxidation. This is reduction. I hope you all are taking a lot of notes. Then थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, राइट? थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन. सिंपल है, ये आप बचपन से पढ़ रहे हो, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन. देन व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स. एग्जाम्पल्स दोनों के लिए, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, Mg ले लो और कोई मेटल ले लो, Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO. देन लॉस ऑफ ऑक्सीजन के लिए यहां पर वी कैन हैव KClO3, पोटेशियम क्लोराइड 2KClO3, ऑन हीटिंग इट विल डिकम्पोज टू फॉर्म 2KCl प्लस 3O2, राइट? ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है. सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. ओके, फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट बिटवीन डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस. ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तब हम लोग उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं. एंड वही ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होता है, सर व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड. सर नहीं समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, देखो यहाँ पर, ठीक है? ये फॉर एग्जाम्पल KMnO4 है, ये भी अभी 11th स्टैंडर्ड का पार्ट है, थोड़ा 11th स्टैंडर्ड आपका ऑनलाइन हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा बेसिक्स 11th के बेसिक्स पे थोड़ा स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 11th के बेसिक्स नहीं आते, राइट? 11th कुछ ऐसे ही उन्होंने पास हो गए हैं, राइट? सो Mn, अगर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, Mn कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, फॉर व्हाट? फॉर फॉर्मिंग KMnO4. तो वो चेक करना है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो Mn को हम लोग x ले लेंगे. व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ये बता रहा हूं, ठीक है? Mn और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख रहे हैं. ओके, Mn इज x, फिर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन है, प्लस वन प्लस x. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू है, माइनस टू इंटू 4. क्यों? क्योंकि चार ऑक्सीजन है, इक्वल टू जीरो. इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं, कोई चार्ज नहीं है. तो चलो कैलकुलेट करो, प्लस वन प्लस एक्स, माइनस टू इंटू फोर इज माइनस एट, इक्वल टू जीरो. ठीक है, माइनस एट प्लस वन इज माइनस सेवन, माइनस सेवन को उस साइड पे भेज दो, क्या बन जाएगा? प्लस सेवन.
Okay, so what is the oxidation number of manganese? In this case, manganese has lost 7 electrons. Dhyan se sunna. Manganese has lost 7 electrons. Manganese ka atomic number 25 hai. Electronic configuration agar dekhenge, to it will be argon 4s2. Okay, argon 4s2 3d5. Okay, argon 4s2 3d5. 4s2 yani ke 2 electrons s mein, iska outermost shell hai. D orbital, ab jante ho ki 5, D sublevel mein 5 orbitals hai. 1, 2, 3, 4, 5. To 7, 2 plus 5, 7 electrons hai. 7 ke 7 electrons lose kar raha hai. Kaun lose kar raha hai? मैंगनीज लूज कर रहा है टू फॉर्म व्हाट KMnO4. अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंगनीज वाकई में 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो आप उसका स्ट्रक्चर देखो तो समझ में आएगा. तो स्ट्रक्चर ऑफ मैंगनीज इज KMnO4 इज लाइक दिस. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4 और ऑक्सीजन इज द वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो ऑक्सीजन 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से खींचेगा, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां से खींचेगा, 5, 6 और 7. तो 7 इलेक्ट्रॉन्स मैंगनीज लूज कर रहा है. यू कैन सी वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 इलेक्ट्रॉन्स मैंगनीज इज लूजिंग ओवर हियर टू फॉर्म द कंपाउंड KMnO4. हर ऑक्सीजन की वैलेंस, हर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली 8 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.6 है. एवरी ऑक्सीजन रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू सैटिस्फाई इट्स ऑक्टेट. सो इट इज पुलिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैग्नीज. दिस इज ऑल्सो पुलिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैग्नीज. दिस इज ऑल्सो पुलिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैग्नीज. बट सर, देन व्हाई दिस इज पुलिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीज? अरे भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था लास्ट. दैट्स व्हाई इट इज पुलिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीज एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम. सो देयरफॉर पोटेशियम इज हैविंग अ चार्ज ऑफ +1. सो KMnO4 ये स्ट्रक्चर से प्रूव हो रहा है कि मैग्नीज इज लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द कंपाउंड KMnO4. मैग्नीज के ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत वेरिएबल है. मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, +5, +6, +7 हो सकता है. किसका? मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर. तो ये ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन में अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया. और यही ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं. तो एक मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगा, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपको समझ में आएगा कि हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड हु इज अंडरगोइंग रिडक्शन. आप ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? देखो, SnCl2 plus FeCl3 to FeCl3 gives you SnCl4 plus 2FeCl2. ऐसा इक्वेशन है. तो आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहां पर Sn, ओके, Sn के ऊपर अगर आप फोकस करते हो तो Sn में यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 था और +2 से क्या हो गया? ये +4 हो गया. आप फाइंड आउट करके देखो, x ले लो Sn को, Sn को x लेकर अगर आप फाइंड आउट करते हो तो यहाँ पे +2, यहाँ पे +4 है. सो +2 का +4 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग और नॉट? यस, ऑब्वियसली इट इज इंक्रीजिंग. सो व्हाट इट इज परफॉर्मिंग, व्हाट इट इज अंडरगोइंग? इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. और अगर Fe की बात करो तो Fe में क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे. सो Fe इज लूजिंग, नॉट लूजिंग, सॉरी, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग. ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. दिख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है? +2, सॉरी, यहाँ पे क्या है? +3, और यहाँ पे क्या है? +2. तो +3 का +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है. ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन. जब भी ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो वो रिडक्शन होगा, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे. अंडरस्टूड दिस? दिस क्लासिकल डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा मतलब +2 का +4 हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, राइट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट? ऑक्सीडेशन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, +3 का +2 हो रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट? रिडक्शन. सो उस हिसाब से भी, उस एंगल से भी हमको समझ में आ जाता है कि दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच Sn इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग एंड Fe इज अंडरगोइंग रिडक्शन बिकॉज दिस ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग. I hope you are getting this. Okay, so this is the difference between oxidation and reduction. अब एक बार आपको oxidation reduction difference समझ में आ गया, एक redox reaction भी मैंने example के तौर पे आपको दे दिया identify करने के लिए कि कौन oxidation हो रहा है, किसका oxidation हो रहा है, किसका reduction हो रहा है. अब एक last point इसको लेकर फिर खत्म कर देते हैं about oxidation reduction. 11th standard का part खत्म हो जाएगा, clarify हो जाएगा, and then we can move on to the actual 12th standard electrochemistry. Okay, so इसमें और एक पार्ट आएगा, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है, बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है which oxidizes the species. Oxidizing agent is the one which oxidizes the species. Species को ऑक्सीडाइज करता है, species को इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाता है. ऑक्सीडाइजेस द स्पीशीज, राइट? अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे ब्रैकेट में ऑयल लिखो. ऑयल इज वॉट? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? विच ऑक्सीडाइजेस द स्पीशीज बट reduces itself. Oxidizes the species but reduces itself. Species को oxidize करवाने के चक्कर में, species को electron lose करवाने के चक्कर में उसको खुद को electron gain करने पड़ते हैं, खुद वो electron gain करता है, that is खुद का reduction करता है. Okay, so reducing agent कौन है? Reducing agent is exactly opposite of oxidizing agent. Reducing agent is the one which reduces the species. Okay, reduces the species but oxidizes itself.
तो जो उसका नाम है ना वही वो स्पीशीज के साथ करता है. नाम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. तो स्पीशीज के साथ क्या कर रहा है? रिडक्शन. बट खुद के साथ अपोजिट करेगा. अपोजिट मतलब क्या? ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ. अब स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाने के लिए वो खुद इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है. सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा. आपके पेरेंट्स क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या? वो आपको गेन करवाने के लिए, आपको नॉलेज गेन करवाने के लिए, आपको पिकनिक का फन गेन करने के लिए या और कोई चीज गेन करवाने के लिए वो क्या करता है? आपको रिड्यूस करता है. रिडक्शन इज गेन, आपका गेन करवाता है. बट वो गेन करवाने के लिए वो खुद का लॉस कर लेते हैं. ऑक्सीडेशन इज लॉस, वो खुद का लॉस कर लेते हैं. ठीक है, आपको गेन करवाने के लिए. अगर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात करें तो पेरेंट्स आपको इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाने के लिए खुद इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं. राइट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप हो. ठीक है, आप क्या करते हो? पेरेंट्स से डिमांड करते हो. ठीक है, जायज कुछ नाजायज डिमांड करते हो. राइट. ऑक्सीडाइजेस मतलब खुद क्या करते हो? विच ऑक्सीडाइजेस द स्पीशीज. पेरेंट्स को लॉस करवाते हो. राइट. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पेरेंट्स को लॉस करवाते हो आप क्या करने के लिए? खुद का गेन करने के लिए. मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे शूज चाहिए, मुझे ये चाहिए. तो आपके डिमांड्स आपको गेन करवाने के लिए पेरेंट्स को क्या करना पड़ता है? लॉस करना पड़ता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप हो, विच ऑक्सीडाइज द स्पीशीज बट रिड्यूसेस इटसेल्फ. ओके, सो ये है अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ लेट अस डाइव इन डीप इनटू द चैप्टर. अब इंट्रोडक्शन हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, प्लस रिडॉक्स रिएक्शन का एक झलक भी हम लोग ने देख लिया. तो जितने भी बेसिक्स की हमको जरूरत थी 11th स्टैंडर्ड से वो हम लोग ने पिकअप कर लिए. एंड नाउ वी कैन डाइव इन डीप इनटू द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो सबसे पहले वी विल सी अ डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर किसको कहते हैं? So what is the difference between electrolytic conductor and electronic conductor? Please take notes. Right? Electrolytic and electronic conductor. Video देखने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप लिखते नहीं हो. ठीक है, आपकी notebook में जब तक ये उतरता नहीं आपके दिमाग में भी उतरेगा नहीं. सिर्फ देखते रहोगे, हाँ हाँ अच्छा हुआ, अच्छा समझ में आया, ठीक है. बट उससे भी important है आपको लिखना. अगर लिखोगे तभी आपको कुछ याद रहेगा, वरना नहीं रहेगा. Okay? So right, let us see the first point of difference between electrolytic conductor and electronic conductor. So what is electrolytic conductor and electronic conductor? So electronic conductor hai koi bhi wire, right? Ye bhi wire hai, right? So is wire mein kya ho raha hai? Electrons flow ho rahe hai. Iske liye kya ho raha hai? It is an electronic conductor. So we can say that conduction is through flow of electrons. Conduction is through flow of electrons. और यहाँ पे conduction is through flow of ions. सर ये क्या है electrolytic conductor? Electrolytic conductor मतलब electrolytic cell. उस electrolytic cell में क्या होता है? Conduction is through flow of ions. Ions सिर्फ electricity conduct होती है. किसमें? Electrolytic conductor में. Electrolytic conductor तो जानते हो ना आप लोग, electrolysis किया आपने 10th standard में. राइट. सो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या देखते हैं हम लोग कि देयर इज इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल और उसमें क्या है? दो इलेक्ट्रोड्स है. वन इज द एनोड एंड द कैथोड. ओके, एनोड और कैथोड. एनोड पॉजिटिवली चार्ज था, कैथोड नेगेटिवली चार्ज था. बोथ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी. यहाँ पे NaCl रखा है तो NaCl माइग्रेट होता है. Na+Cl- आयंस माइग्रेट होते हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. सो दिस कंडक्शन ऑकर्स थ्रू फ्लो ऑफ आयंस. और इधर इट्स सिंपली अ वायर. क्या है? इट इज सिंपली अ वायर. ओके, सो कॉपर वायर बोल सकते हो आप. सो इस कॉपर वायर में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तभी हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कंडक्टेड. इफ इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कंडक्टेड. वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कंडक्टेड. मतलब क्या? से फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया तो कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई. सो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, okay, amount of electricity is also called as the charge. Okay, amount of electricity or the charge, okay, which flows from point A, when one electron flows from point A to point B, is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है भाई? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. इतना ही चार्ज एक प्रोटॉन पे भी होता है. राइट. सो इतना चार्ज जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है? 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb फ्लो होती. अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और 1 मोल आप अच्छे से जानते हो कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द एवोगाड्रोस नंबर, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी?
राइट, अगर वन इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रही है तो वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.023 × 10⁻²³ दैट्स द एवोगाड्रो नंबर, दिस मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स डिवाइडेड बाय 1. Okay, dividing by 1 has no meaning. So our final answer, which will come, will be equal to 96,500 coulombs. Actually, exactly 96,500 नहीं है, 96,490 कुछ है. उसको हम लोगों ने round off किया है 96,500 coulombs में. So coulombs is a unit of charge, unit of electricity, amount of electricity का unit है. क्या coulombs? It's a smaller unit of amount of electricity. क्योंकि 96,500 coulombs is equal to 1 Faraday. Faraday is a bigger unit of electricity. Faraday भी scientist का नाम है, Coulomb भी scientist का नाम है. तो उनके नाम से जैसे force का unit दे दिया है Newton, वैसे amount of electricity का unit क्या दे दिया है? एक तो Coulomb, छोटा unit Coulomb, बड़ा unit Faraday. 96,500 Coulombs is equal to 1 Faraday. Okay, so come on, let's come back to the differentiate between में first point में हम लोग ने क्या बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कुछ इस तरीके का होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है थ्रू द फ्लो ऑफ आयंस, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है थ्रू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, जब आयंस फ्लो होंगे तब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी. ओके, तो यहाँ पर आयंस का होना कंपलसरी है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना कंपलसरी है अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी है तो. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट. और मैंने बताया भी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती, लाइक एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होने पर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रही. अगर वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो रहे तो 96,500 कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. हियर द कंडक्शन इंक्रीजेस with increase in temperature. The conduction increases with increase in temperature. Conduction increases with increase in temperature. यहाँ पर क्या होगा? Conduction will decrease with increase in temperature. Conduction decreases with increase in temperature. क्यों ऐसा? Reason है उसके लिए. देखो कि यहाँ पे NaCl है. NaCl कैसे? मोल्टन स्टेट में, मतलब उसको NaCl को हीट किया है, हीट करके मेल्ट किया है. तो जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड करोगे उतना क्या होगा, NaCl मोल्टन स्टेट में आएगा. और जितना वो मोल्टन स्टेट में आएगा, ओके, जितना वो मोल्टन स्टेट में आएगा उतना आयंस फ्री हो जाएंगे, मोबाइल हो जाएंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस ही, सॉलिड स्टेट में NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता. ओके, सॉलिड स्टेट में NaCl कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगा? ओनली व्हेन इट इज इनटू द मोल्टन स्टेट. तो सॉलिड स्टेट में आयंस क्या रहते हैं? जकड़े हुए रहते हैं. बट एक्वियस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में वो आयंस फ्री हो जाते हैं, फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो जितना आप हीट करोगे उतना आयंस फ्री हो जाएंगे, और जितना आयंस फ्री होंगे उतना इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे. राइट, नाउ हियर व्हाट वी कैन से कि कंडक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये आपको यहाँ पे पता है कि अगर यहाँ पर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्शन. ओके, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्शन. टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, याना, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस. ओके, कंडक्टेंस हियर, सॉरी, जब भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है. राइट, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग, देयर इज वाइब्रेशन, द थर्मल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. सो दे आर मूविंग हाफ हाजार्डली, दे आर नॉट मूविंग इन एन अलाइंड वे, दे आर मूविंग हाफ हाजार्डली. सो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा. रेजिस्टेंस इज द, यू कैन से, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा, और जब ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा. यहाँ पे कंडक्टेंस हम लोग जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, देन क्या बोल रहे हो? हाँ, तो हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आपको जब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो NaCl और मोल्टन स्टेट में आ रहा है. ठीक है, NaCl सॉलिड स्टेट में था, आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वो मेल्ट हो जाएगा, जितना मेल्ट हो जाएगा आयंस फ्री हो जाएंगे, और जितने आयंस फ्री होंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. सो आपका क्वेश्चन ये कि इधर टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इधर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों नहीं बढ़ रहा है? रेजिस्टेंस इसके लिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि जब आप इधर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो भाई ये सॉलिड स्टेट में है, इधर आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर रहे, इधर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे. तो यहां पे जितना हीट करोगे उतना आयंस फ्री होंगे, बिकॉज़ सी मेटल एक ऐसा कंडक्टर है जो मोल्टन स्टेट में और सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है.
राइट right? एक वायर आपको दे दू इलेक्ट्रिसिटी जिसमें है वो वायर, तो आपको जोर का झटका लगेगा। लेकिन कुछ नमक आपके हाथ में दे दू, राइट सॉल्ट NaCl आपके हाथ में दे दू, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा क्या? नहीं। लेकिन एक सोल्यूशन में अगर उसको डाल देते, थ्री इडियट्स देखा ना, वो यूरिनेट करता है, यूरिन में भी क्या रहता है NaCl, तो उसके लिए उसको शॉक बैठता है। व्हाई? सो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट्स इन द मोल्टन और द एक्वियस स्टेट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम लोग देखेंगे कि Na plus Cl minus ions एकदम कैसे है, दे आर इन दिस फॉर्मेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, आयंस बिल्कुल हिल नहीं सकते यहाँ पे, Na plus Cl minus में, ये इसका क्रिस्टलाइन लैटाइस है, किसका? NaCl का। तो जब आप उसको हीट दोगे, राइट जब आप उसको हीट दोगे, हीट देने के बाद में जब ये आयंस फ्री हो जाएंगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू करेंगे, ऐसे सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ओके सो अब थर्ड पॉइंट, ओके थर्ड पॉइंट में कंडक्शन इंक्रीजेस, यहाँ पे बोल दिया, हाँ देर इज नो मास ट्रांसफर, There is mass transfer और right hand side पे आएगा there is no mass transfer, okay? यहाँ पे क्या आएगा there is no mass transfer, मतलब देख लेना आपके घर में कोई वायर होगी, अगर आप थोड़ा पुराने फ्लैट में या बिल्डिंग में रह रहे हो तो 20 साल 40 साल 50 साल पुराने वायर है उधर, उस वायर का ना वेट बड़ा है ना कम हुआ है, वो वायर एज इज है, सो देर इज नो चेंज इन द मास ऑफ द वायर। ओके तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में मास ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मास ट्रांसफर होता है। आप देखते हो सोडियम, ये जो एनोड है वो डिप्लीट होते जाता है, कैथोड पे आयंस डिपॉजिट होते हैं, कैथोड का साइज बढ़ते जाता है, तो यहाँ पे मास ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइसिस में या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में कोई मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, देर इज मास ट्रांसफर, देर इज नो मास ट्रांसफर। ओके सो दिस इज व्हाट द डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ओके सो अब हमको क्या देखना है, ये जो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, इनका एक थोड़ा रिलेशन देखना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, आई कैन ऑल्सो राइट दिस इज कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो ऐसे ही रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर व्हाट इज रेजिस्टिविटी, चलो देखते हैं। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज बताओ या रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितनी वायर लंबी होगी उतना उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। जितनी वायर मोटी होगी उतना उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। ओके सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बेटा ये रियोस्टैट ले लो, जरा रियोस्टैट देना मेरे को। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो दिस इज व्हाट द रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टिविटी कब पिक्चर में आएगी, जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल के इक्वालिटी साइन डाल देंगे। हाँ अब देखना ये क्या है, दिस इज वॉट अ रियोस्टैट, ठीक है। रियोस्टैट में क्या करते हैं हम लोग, इसको आगे पीछे मूव करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप नजदीक से देखोगे तो देर आर वायर, देर इज वायर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वायर्स है, राइट right? सो ये वायर्स क्या है, दे आर टाइट कॉइल्स ऑफ वायर्स। तो जितना इसका लेंथ बढ़ेगा, ऑब्वियसली ये अगर इसको खोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना ये, तो इसकी लेंथ बढ़ रही, तो जितनी लेंथ बढ़ रही है उतना क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ओके इंक्रीज इन लेंथ इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन एरिया विल डिक्रीज द रेजिस्टेंस। जब लेकिन प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल के इक्वालिटी साइन डालते हैं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नॉट कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी रो, राइट। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू एल बाय ए। सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर आर यूनिटी, राइट। अगर ये लेंथ और एरिया इक्वल है, ठीक है, लेंथ और एरिया वायर की इक्वल है, तो इट विल बिकम व्हाट, वन। मतलब 10 बाय 10 भी करो, 100 बाय 100 भी करो, 2000 बाय 2000 करो, तो जब इसका आंसर 1 आ रहा है, राइट, एल बाय ए का आंसर 1 आ रहा है, दैट टाइम द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी व्हेन लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर आर यूनिटी। ओके लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर आर यूनिटी, देन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आर इक्वल टू ईच अदर। ओके वैसे ही अगर कंडक्टेंस का देखेंगे तो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर वायर मोटा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से पास होंगे, वायर अगर नैरो है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स धक्का बुक्की होगी इलेक्ट्रॉन्स की पास होने के लिए, तो अगर वायर मोटा है तो कंडक्टेंस बढ़ेगा और लेंथ बड़ी है तो कंडक्टेंस कम होगा। तो अभी हम लोग यहां पर भी प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल देंगे, तो यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, के ए बाय एल। तो व्हाट इज कंडक्टिविटी, दिस इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस व्हेन एरिया एंड लेंथ ऑफ द वायर आर यूनिटी, एरिया और लेंथ आर यूनिटी, दैट टाइम कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस आर इक्वल टू ईच अदर। आई बात समझ में यहां तक, ठीक है। दिस इज कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी। अभी हमको प्रूफ करना है, जैसे रेजिस्टेंस कंडक्टेंस वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, वैसे ही द कंडक्टिविटी शुड ऑल्सो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी रो।
ओके, जैसे कंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, वैसे ही कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। लेट अस सी हाउ। ओके, एक एक करके लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब रेजिस्टेंस क्या है कि ऊपर हम लोग ने जो लिखा था जी इज इक्वल टू वन बाय आर भी लिख सकते हैं इसको, जी इज इक्वल टू वन बाय आर। तो जी की जगह पे मैं वन बाय आर लिख सकता हूँ, जी की जगह पे क्या लिखूंगा, वन बाय आर, राइट, जी की जगह पे वन बाय आर इंटू के इंटू ए बाय एल। ओके, वन बाय आर इज इक्वल टू के इंटू ए बाय एल। तो अभी क्या करते हैं, इसको कंडक्टिविटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो इसको सबको उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा एल, ऊपर आ जाएगा एल इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय आर ए। ठीक है, सिंपल, कुछ मैंने रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, सिर्फ इन सारी ए बाय एल को उस तरफ भेज दिया, उस तरफ भेज दिया तो क्या हो गया, एल इधर चला गया, ए इधर चला गया, एल बाय एल डिवाइड बाय आर ए इज इक्वल टू के, एल डिवाइडेड बाय आर ए इज इक्वल टू के, ये याद रखो। फिर यहां पर भी ऐसी थोड़ी गड़बड़ करेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला इक्वेशन में रो, हाँ रो एल बाय ए ऐसा था, तो आप क्या करो इसको इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा आर ए बाय एल इज इक्वल टू रो, आर ए बाय एल इज इक्वल टू रो। तो अब क्या होगा, देखना ध्यान से, ये आर ए बाय एल है, ये एल बाय आर है, इसको अगर रेसिप्रोकल कर दो तो ये बन जाएगा एल बाय आर ए इज इक्वल टू वन बाय रो। सो एल बाय आर ए इज इक्वल टू वन बाय रो, एल बाय आर इज इक्वल टू के, तो हम लोग लिख सकते हैं कि के इज इक्वल टू वन बाय रो। ओके, सो दिस इज द हेंस वी हियर वी प्रूव दैट के, जैसे कि जी इज इक्वल टू वन बाय आर, वैसे के इज ऑल्सो इक्वल टू वन बाय रो, जैसे कंडक्टेंस इज इक्वल टू वन बाय रेजिस्टेंस, वैसे कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इक्वल टू वन बाय रेजिस्टिविटी। ओके, तो अभी हमको कंडक्टिविटी मिल गई है, लेकिन कंडक्टिविटी की यूनिट्स नहीं मिले, तो कंडक्टिविटी के यूनिट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, कंडक्टिविटी के यूनिट्स फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है। क्या है यहाँ पर देखो, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन आर ए, तो लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, देन ओम इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, एरिया मीटर स्क्वायर इनवर्स आएगा, तो एम रेज टू वन एंड माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, सो इट विल बी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, राइट, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। समझ में आ गया ना, देखो लेंथ क्या है, मीटर, एम रेज टू प्लस वन, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एंड एरिया, रेजिस्टेंस इज ओम इनवर्स, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है ओम, लेकिन डिनोमिनेटर में इसके लिए माइनस वन, और एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, लेकिन डिनोमिनेटर में इसके लिए एम माइनस टू, सो एम वन एंड एम माइनस टू विल बिकम एम माइनस वन, सो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इज नथिंग बट यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो ये है यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। अब हमको क्या देखना है नेक्स्ट, मोलार कंडक्टिविटी देखना है, बट वो अभी नहीं देखेंगे हम लोग, वील सी दैट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, मोलार कंडक्टिविटी तक आप रिवाइज कर लो, एंड देन वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट इज मोलार कंडक्टिविटी। ओके।